Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel. My name is Akash. You guys are watching me only on Living with Akash. So, आज अभी हम लोग जा रहे हैं GoPro खरीदने और ये GoPro बैंगलोर में मुझे एक ही ऑफलाइन शॉप में मिला था जो कि मैजिस्टिक मेट्रो स्टेशन के एकदम सामने है ब्रिगेड प्लाजा में. तो काफ़ी सही है दुकान, वहाँ पे जाके बाकी चीज़ पता चलेगा. और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ ये GoPro को लेके, क्योंकि मैं एक GoPro 11 खरीदने जा रहा हूँ और वो भी क्रिएटर एडिशन. तो फिलहाल अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं और ऑलरेडी 8:48 हो गया. तो 4 मिनट ही बाकी है, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा. जाएंगे बैपन्ना हली, वहाँ से मेट्रो लेके मैजेस्टिक और वहाँ से ऑटो या पैदल में जाएंगे फोटो सर्कल. ये फोटो सर्कल क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे. जो लोग बेंगलोर में आप लोग रहते हो आप लोग को मालूम ही है, बाकी चीज़ वहाँ पे जाके बात करते हैं. चलिए देखते रहिए. तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मुझे GoPro लेना है कि Insta360, मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि दोनों ही एक्शन कैमरा है, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर बजट में भी है. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कौन सा खरीदूँ. तो फाइनली आप लोग भी हमें बहुत हेल्प किए हैं और बाकी मैंने इंस्टा फेसबुक में भी डाले थे, तो सब ने मुझे GoPro 11 के बारे में ही सजेस्ट किया. तो फिलहाल आज मैं वही खरीदने जा रहा हूँ. फाइनली वो दिन आ चुका है, मैं जा रहा हूँ GoPro 11 क्रिएटर एडिशन खरीदने. तो फाइनली ट्रेन आ चुका है, हम लोग अभी जाएंगे बैपन्नाहली मेट्रो स्टेशन, मतलब बैपन्नाहली स्टेशन, वहाँ से मेट्रो पकड़ के हम लोग जाएंगे सीधा मैजेस्टिक. तो फिलहाल हम लोग अभी ऑटो में है, तो अभी बस 500 मीटर ही बाकी है. तो बहुत पहले हम लोग आ चुके हैं, ऑलरेडी घोड़ी में बज रहा है 10:02. तो मुझे बोला गया था कि 10:30 तक खुल जाएगा दुकान, देखते हैं जाके दुकान खुलता है कि नहीं. सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आ चुका हूँ फोटो सर्कल के एकदम सामने. तो ये है ब्रिगेड प्लाजा में, आनंदराव सर्कल में है ब्रिगेड प्लाजा और ब्रिगेड प्लाजा में ही है ये फोटो सर्कल. चलिए अभी अंदर चल के देखते हैं. चलो एकदम सामने. तो अभी घड़ी में बज रहा है 10:08. तो ये दुकान जैसे मुझे बोला गया था कि 10:30 में ही खुलेगा, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए बहुत ही जल्दी आ चुके हैं. तो अभी भी 22 मिनट वेट करना पड़ेगा. एनीवे कोई बात नहीं, GoPro खरीदने आया वो भी क्रिएटर एडिशन, तो इसके लिए तो थोड़ा वेट करना बनता है. अभी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था कि एक्शन कैमरा खरीदूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो भी GoPro हीरो ब्लैक 11 क्रिएटर एडिशन. मतलब आप सोच ही रहे हो कि बहुत ही तगड़ा होने वाला है. तो हम अनबॉक्स करेंगे, ये बॉक्स में क्या क्या है सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे. तो अभी वीडियो छोड़ के एकदम मत जाइए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सही लगेगा क्या क्या है क्रिएटर एडिशन पे, क्यों क्रिएटर एडिशन लेनी चाहिए और क्यों ये दुकान से लेनी चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा आगे आगे. तो चलिए देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए लिविंग विद आकाश. तो अभी भी दुकान खुला नहीं, तो चलिए फोटो सर्कल के बारे में आप लोग को कुछ बता देते हैं. ये फोटो सर्कल मैंने गूगल रिव्यू देखा, बहुत ही सही दुकान है, जैसे बाहर से भी आप लोग को दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर फोटोग्राफी नीड्स. आपको जो भी चाहिए, आपको अगर गिम्बल्स चाहिए, DSLR चाहिए, मिररलेस कैमरा चाहिए, या तो ट्राइपॉड चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी आपको चाहिए सब कुछ इस दुकान में आपको मिल जाएगा. ये काफ़ी सही दुकान है, मैंने इसका रिव्यू देखा काफ़ी सही था और मुझे एकमात्र यही शॉप में, मतलब ये एक ऑफलाइन शॉप बेंगलुरु में जिधर मुझे GoPro का क्रिएटर एडिशन मिल रहा था. बाकी बहुत सारी दुकान में मैंने इंक्वायरी किया था, GoPro तो फिलहाल मिल रहा था और बंडल पैक भी मिल रहा था, लेकिन क्रिएटर एडिशन जो कि क्रिएटर के लिए सबसे अच्छा है वो मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा था. तो फाइनली मुझे इस दुकान में मिला. और इसका जो सबसे ख़ास बात है कि इस दुकान में रेट सबसे कम है, मतलब इवन लेस देन GoPro इंडिया वेबसाइट एज वेल एज Amazon Flipkart, कहीं से भी यहाँ पे सबसे सस्ता मुझे मिला. तो अभी फ़िलहाल मैं दाम नहीं बताऊँगा, जब मैं खरीदूँगा और जब मैं पेमेंट करूँगा तभी आपको दाम बताऊँगा. तो इसके लिए पूरा तक आपको इस वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप बेंगलोर में हैं और अगर आपको फोटोग्राफी की बहुत ही ज़्यादा शौक है, अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा ये फोटो सर्कल में एक बार आइए. सो फाइनली दुकान खुल चुका है और अभी दुकान के बाहर बिना टाइम वेस्ट करके अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं, पूरा चीज एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए आ जाइए. वाओ. तो जैसे कि गाइस मैं आ चुका हूँ फोटो सर्कल में, तो इसका इंटीरियर तो मुझे काफी सही लगा पहला बात, और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे निकॉन कैनन मतलब
मिररलेस कैमरा, DSLR कैमरा, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ का जो स्टाफ का बिहेवियर है वो भी काफ़ी सही है। तो फिलहाल अभी जो मुझे GoPro दिखाएगा वो अभी तक आया नहीं, वो स्टाफ कुछ ही देरों में आ जाएगा। तब तक चलिए आपको पूरा ये जो शॉप है आपको पूरा घुमा के दिखाता है, आप लोग देखते रहिए। तो भैया अगर आप बता दोगे कि आपका जो ये फोटो सर्कल का जो शॉप है, जो कि मुझे गूगल में बहुत अच्छा रिव्यू मिला था, अगर आप बता दोगे कि आपका शॉप में क्या क्या प्रोडक्ट है। फोटोग्राफी में एवरीथिंग एक्सेसरीज मिलेगा सर। कैमरा चाहिए तो निकॉन, कैनन, सोनी, पैनासोनिक, ज़ेइस, टैमरॉन, सिग्मा। ओके। एंड एक्सक्लूसिव शॉप भी है हमारा, सोनी पैनासोनिक भी है, और एक्सक्लूसिव DJI का स्टोर भी है। अच्छा। एंड GoPro भी एक्सेसरीज मिलेगा इधर इधर। ओके। इधर एक्सेसरीज मिलेगा कैमरा को, ये GoPro के लिए है ये एक्सेसरीज, ये सारा GoPro का एक्सेसरीज है। ओके। एंड ये वाला है DJI Osmo आएगा, फोन गिम्बल आएगा, कैमरा का गिम्बल आएगा। ओके। एंड इधर कैमरा का एक्सेसरीज मिलेगा, एंड सिग्मा एंड GoPro। ओके। इंस्टा 360 भी है, इंस्टा 360 भी हमारे पास मिलेगा, फ्यूजी फिल्म कैमरा भी मिलेगा। दैट्स नाइस। ओके। हमारे हमारे पास एंड कैमरा को एनी एक्सेसरीज चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, गिम्बल चाहिए, एवरीथिंग इन फोटोग्राफी, लाइटिंग इक्विपमेंट भी मिलेगा सर हमारे पास। अच्छा, जैसे मुझे दिख रहा है कि ट्राइपॉड भी है। अच्छा, लाइट या ग्रीन स्क्रीन ये सब है आपके पास? हमारे पास ही है, वो हमारा दुकान है नेक्स्ट स्टोर में। ओके। वो लाइटिंग डिवीजन में सेपरेट है, उसी में गोडोक्स आएगा, निकिया स्मॉल रिग आएगा। ओके। और एक कौन सा नैन लाइट, अपर्चर, सब कुछ आएगा। हाँ, सब मतलब लाइट का जो भी चीज है उधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा। ओके, सही है। ओके। और बाकी यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे डेमो कुछ है, मतलब डेमो के लिए अभी? हाँ, कैमरा डेमो के लिए यूज कर सकता है, कैमरा डेमो के लिए है। लेकिन GoPro या Insta 360 है क्या डेमो के लिए? Insta 360 अरेंज कर सकता है सर, कंपनी के पास है, अरेंज कर सकता है। अभी नहीं होगा? अभी नहीं होगा, वो टाइम चाहिए, एक दिन दो दिन। अच्छा, मतलब Insta 360 में वो लोग मतलब ये डेमो देते हैं, लेकिन GoPro में नहीं देता? GoPro हमारे पास डेमो के लिए है, 8, 9, 10 कुछ है क्या? ओपन पीस नहीं है, कर सकता है कंपनी के पास पूछ के। कंपनी के पास पूछ के, मतलब फिलहाल अभी तो नहीं है, अभी होगा क्या एक भी अगर मैं देखना अभी, चाहता। अभी नहीं होगा, इमरजेंसी में नहीं है सर, इमरजेंसी में नहीं। टाइम देते हैं तो आपको ऐसा आपका ऐसा फीडबैक क्या है GoPro 11 के बारे में? आप तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है ना GoPro 11? ओके। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या चीज है यहाँ पे जो मुझे? कैमरा का एक्सेसरीज, फिल्टर्स, स्क्रीन गार्ड, ब्लोअर, क्लीनिंग किट, मेमोरी कार्ड, स्ट्रैप, एक्सेसरीज मिलेगा। उधर लेंस सूट भी मिलेगा। इधर हमारा SD कैम है तो एक्शन कैमरा ही है, एक्शन कैमरा। हाँ, ओके। लेसर प्राइस में मिल जाएगा, लेसर प्राइस में, लेस देन 10,000 तो एक्शन कैमरा चाहिए तो वो SD कैम में मिल जाएगा। ओके। ये हमारा सारा बैग ऑप्शन है, बैग में मोबियस है, पिनबॉल है, वैनगार्ड है, मैन फोटो एंड गिट्सो। ओके। इधर हमारा एक्सेसरीज का है ये भी। ओके। एंड ये बिल्ट्रॉक्स, टोकिना एंड ओलंपस एंड न्यूवेल बैटरी है। ओके। एंड प्रोग्रेस लियोन बैटरी, सैमसंग, दिस आर द एक्सेसरीज मिलेगा हमारे पास। ओके। एंड दिस आर द फिल्टर्स फॉर कैमरा के लिए, वो रेड एपिक है, ये सिनेमा कैमरास भी मिल सकता है हमारे पास। ओके। कैमरा कुछ मॉडल्स चाहिए तो, स्पेसिफिकली मॉडल चाहिए तो वो भी मिलेगा। ओके। ये वीडियो ऑडियो डिवीजन है, ऑडियो डिवीजन। ओके। ऑडियो डिवीजन है, ऑडियो डिवीजन में रोड आएगा। ओके। जो भी आएगा, जूम आएगा और एक सिंको करके है, एंड दिस इज की ब्लॉक मैजिक है, ये ब्लॉक मैंने स्विचर है ऑडियो के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए स्विचर यूज कर सकता है। ओके ओके, सही है। ओके। और ये सब तो बैगी है ना? ये बैगी है सर, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। नाइस, सब कुछ है, मतलब अगर किसी को फोटोग्राफी के लिए शौक है और अगर जो भी चाहिए सब इस दुकान में मिल जाएगा। ओके। वो कुछ मॉडल, स्पेसिफिक मॉडल चाहिए तो वो भी पहले से बोल के रखना पड़ेगा क्या? बोल के रखना है तो मिल जाएगा सर। ओके। और एक्शन कैमरा में अभी सबसे अच्छा तो GoPro ही है? GoPro ही है सर, GoPro ही है ना, ठीक है। सो गाइस, देख पा रहे कि कितना सारा कैश है, क्योंकि मुझे पूरा चीज कैश में खरीदना है, क्योंकि अगर मैं कार्ड में खरीदूँ तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा, तो मैं फालतू में 2% एक्स्ट्रा क्यों दूँ? तो कैश में उठा लिया बैंक से, अभी कैश में मुझे पे करना है। देखते हैं कितना है मेरे पास। 1, 2, 3, 4,
56, 57 and 58. टोटल 58,000 मुझे पे करनी है. और अगर आप लोग अमेजोन में देखेंगे तो 64,000, फ्लिपकार्ट में भी वैसा ही है, गोप्रो का वेबसाइट में 62,000, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑफलाइन में 58,000 में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा डील है. और मैं अनबॉक्स भी कर सकता हूँ, वो भी शॉप में बैठ के. तो चलिए अभी मैं पेमेंट करता हूँ, उसके बाद हैंड ओवर लेता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे बैठ के मैं इसको पूरा अनबॉक्स भी करूँगा. देखते रहिए. यहाँ के स्मॉल रिग लाइट्स है, स्मॉल रिग है हमारे पास, गोडक्स है, और ये सब जो भी देख रहे हैं आप, ये सब मॉडिफाइड्स है. यस, ये सॉफ्ट बॉक्स है. यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर्स है, लाइट स्टैंड है. ये आके पैनल लाइट्स है. इसमें आपको पैनल लाइट, करेक्ट, ये भी पैनल लाइट्स है. ये आके सी स्टैंड है आपको. ओके, ये आके सी स्टैंड है. और बाकी तो ट्राइपॉड, बाकी ट्राइपॉड्स है, और रिंग लाइट्स अवेलेबल है. अच्छा, ये क्या है, ये जो है, ये पेन सॉफ्ट बॉक्स है सर. दिस वन? यस, हाँ वो सॉफ्ट बॉक्स है, वो लाइट्स है. ओके, लाइट्स है. यस, स्क्रीन्स मिल जाएगा आपको. ओके, तो ये नॉर्मली जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं उन लोग के लिए. यस सर. अच्छा, आपके पास ग्रीन स्क्रीन ऐसे अवेलेबल? यस, अवेलेबल है सर. ग्रीन स्क्रीन, पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन है. ओके, और ये फोल्डेबल है. हाँ, वो भी अवेलेबल है सर. यस सर. इस शॉप में है? इसी शॉप में. इसी शॉप में, एक बार आप दिखा सकते हो? यस सर. सो अभी फिलहाल मैं GoPro 11 अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और वो भी क्रिएटर एडिशन है. तो देखते हैं, मुझे मालूम है कि इसके अंदर में क्या क्या है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो. सो ये आ चुका है GoPro 11 क्रिएटर एडिशन का केस, बहुत ही बढ़िया है. तो अभी फिलहाल मैं ओपन कर रहा हूँ. ओके, तो स्टार्टिंग में है ये, सब्सक्राइब टू GoPro फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस. तो ये क्विक ऐप जो है, GoPro का क्विक ऐप, उसके लिए है. इसके साथ है प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो ये सब मैनुअल रिलेटेड तो हो गया. यहाँ पे आपको क्विक ऐप के बारे में भी लिखा होगा, और ये है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्ट डिटेल्स. तो प्रोडक्ट एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के बारे में भी लिखा है. तो अभी फिलहाल एक बार दिखा दो. तो यहाँ पे ये है GoPro, इसके साथ है मीडिया मोड, इसके साथ है वोल्टा, इसके साथ है लाइट मोड, और नीचे माउंट्स वगैरह भी होगा. तो मैं एक एक करके ओपन करके दिखाता हूँ. दिस इज अ लाइट मोड, राइट? ओके, ये मीडिया मोड है. मीडिया मोड, करेक्ट. इसके साथ ये माइक्रोफोन भी है. हाँ, इनसाइड माइक भी है. इनसाइड माइक भी है. ये माइक है. ओके, माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं. इधर ऑप्शन भी है, एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं. एक्सटर्नल माइक, करेक्ट. ओके, ये वोल्टा ग्रिप का जो एडवांटेज है कि नॉर्मली जो GoPro का जो बैटरी एंड्योरो बैटरी है, उसका एक घंटा मतलब अब तक एक घंटा तक आप शूट कर सकते हो, लेकिन ये वोल्टा के दौरान आप 3-4 घंटा आराम से शूट कर पाओगे, क्योंकि इस वोल्टा के अंदर भी बैटरी है जो कि कंटिन्यूअस GoPro को बैटरी को चार्ज, मतलब GoPro बैटरी को कंटिन्यूअसली चार्ज देता है. तो इसके वजह से मतलब आप ज़्यादा देर तक आप शूट कर सकते हो. तो जो कि क्रिएटर्स लोग हैं उनके लिए तो ये काफ़ी सही है. अदरवाइज GoPro का एक ही प्रॉब्लम था कि बैटरी बहुत जल्दी मतलब ये ड्रेन हो जाता था, लेकिन अभी ये वोल्टा के कारण तो वो नहीं होगा. सर, ये एक्सेसरीज आएगा. एक्सेसरीज, पापा एक बार सामने आ जाओ. यहाँ पे माउंट के लिए है काफ़ी सारा, ये माउंट के लिए है. यहाँ पे वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी है क्या? ये सब है मोटर बाइक के लिए, काफ़ी सारा, काफ़ी मतलब काफ़ी सारा माउंट भी है यहाँ पे. फ्लैट माउंट है हेलमेट के लिए. हेलमेट के लिए, दिस वन इज फॉर हेलमेट. ओके, एंड दिस वन वो कैमरा लगा सकते हैं कैमरा के लिए. ओके, इधर माउंट पे है तो ओके लगा करके यूज करना है. या दिस इज अल्टीमेट GoPro 11 हीरो ब्लैक. सेंसर साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया 9-10 से, और ये जो अभी जो लोगो है ना, ये 11, ये पहले ग्रे कलर का था, अभी ब्लू कलर का हो गया, जो कि देखने में भी बहुत एपिलिंग लग रहा है, बहुत ही सही है. इसके अंदर में बैटरी, राइट, एंड्यूरो बैटरी. या सो या दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ GoPro हीरो ब्लैक 11. So yeah, I am choosing English.
या एग्री। टर्न ऑन टैग योर फुटेज विथ लोकेशन स्पीड, यस ऑन। इंस्टॉल द GoPro क्विक ऐप, लीव योर कैमरा ऑन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सो आई हैव टू इंस्टॉल नाउ GoPro क्विक ऐप ऑन माई फोन टू फिनिश द सेटअप। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी माउंटिंग है, माउंटिंग एक्सेसरीज जो कि हेलमेट के लिए या तो कैमरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल अभी मैं GoPro क्विक ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि सेटअप करने के लिए GoPro क्विक ऐप चाहिए, जैसे यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो आई नीड टू क्रिएट एन अकाउंट बिकॉज आई डोंट हैव एनी अकाउंट। ओके, तो अभी मेरा फ़ोन के साथ कैमरा कनेक्ट हो गया। इजी कंट्रोल, स्वाइप डाउन टू चेंज टू प्रो कंट्रोल्स इन द डैशबोर्ड, और यहाँ पे मेरा फ़ोन के साथ कनेक्ट भी हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं एक नाम दे दूंगा मेरा GoPro का। सो फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है GoPro Hero 11 ब्लैक। थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, ओ ये है लाइट मोड GoPro का ही, दिस इज अ मीडिया मोड, इसके साथ ये भी है माइक्रोफोन। ये जो है ये माइक्रोफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए और नॉइस कैंसिलेशन के लिए कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और साथ में मैंने ये भी ले लिया जो कि सैंडिस्क का है, और ये है 256 GB एक्सट्रीम प्रो 200 Mbps स्पीड के साथ। तो मैंने ये भी ख़रीद लिया 2999 में, क्योंकि विदाउट SD कार्ड ये GoPro काम नहीं करेगा, फोटो वीडियो कुछ भी मैं नहीं कैप्चर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे अभी देखना है मेमोरी कार्ड लगा के। और ये है वोल्टा, जिसमें काफ़ी सारा मोड भी है, ब्लूटूथ एनेबल भी है। और ये वोल्टा है जो कि एज अ ट्राइपॉड स्टैंड भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और मेरे हाथ में अभी ये है इंस्टा 360 का ये डेमो पीस है, लाइव पीस नहीं है। मैंने तो रिक्वेस्ट किया कि मुझे इंस्टा 360 एक बार देखना है, फील करना है। तो यहाँ का ओनर बोला कि मुझे डेमो के लिए बोला जाएगा जब अवेलेबल होगा। तो ये फ़िलहाल डेमो पीस है, ये भी इंस्टा 360 है 1R5। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था GoPro 11 और इंस्टा 360 X3 के बीच में, तो फाइनली मैंने GoPro ही चूज़ किया। आप लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। तो यहाँ पे क्लीनिंग किट वगैरह है, यहाँ पे लेंसेस फॉर SLR कैमरास, एक्सेसरीज, मिररलेस कैमरा, यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस है। ये है टैमरॉन की प्रोडक्ट्स, टैमरॉन की लेंसेस, ये तो काफ़ी सही है। दिस इज कैनन। सो फाइनली मैंने GoPro खरीद लिया, और अभी हम लोग जाएंगे शायद से MG रोड, वहाँ पे जाके हम लोग खाएंगे, और घर में जाके आप लोग को फिर से अनबॉक्स करके दिखाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ट्यूटोरियल पूरा देखेंगे। और ट्यूटोरियल दिखने के बाद आपको भी पूरा एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ आपको बताऊंगा कि कौन सी माउंट किस पर्पज़ के लिए है, कहाँ पे कैसे लगाना है, सब कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। वीडियो फुटेज, फोटो फुटेज सब कुछ लेंगे और सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये GoPro 11 क्रिएटर एडिशन खरीदने का जो मोमेंट मैं आप लोग के साथ शेयर किया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। शायद आप लोग को भी बहुत अच्छा लगे, और आप लोग भी अगर खरीदना चाहते हैं, और अगर आप लोग को भी कुछ भी ज़रूरत हो इस प्रोडक्ट रिलेटेड, मुझे पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम में, या तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग जाएंगे खाने, बहुत ज़्यादा भूख लग गया। तो फाइनली आ चुके हैं एम्पायर रेस्टोरेंट के ठीक सामने, चलो चलते हैं अभी कुछ खा लेते हैं। सो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, ये है बटर नान, ये है बटर कुलचा, वो मैंने ऑर्डर किया कॉइन पराठा, और यहाँ पे है बटर चिकन जो कि बोनलेस है। तो इतना सारा मैंने ऑर्डर किया, और कुछ ही देर पहले आप लोग को दिखाया है कि हम लोग प्रसाद भी खाया है गणपति बप्पा का। तो ऑलरेडी सबका पेट ऑलमोस्ट हाफ तो भर चुका है, लेकिन ठीक है थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे हुडी स्टेशन। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ बटर कुलचा चिकन टिक्का मसाला के साथ, खा के देखते हैं। एज यूजुअल एम्पायर का खाना मुझे बहुत सही लगता है, काफ़ी अच्छा भी है। यह है कॉइन पराठा, इसको खा के देखते हैं। चिकन टिक्का मसाला के साथ काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही।
लाजवाब। लोग बैंगलोर में रहते हो, लोग को तो एम्पायर रेस्टोरेंट के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ज़रूर आइए, टेस्ट कीजिए, एकदम नॉर्थ इंडियन जैसा स्टाइल आप लोग को मिलेगा, जो कि नॉर्थ इंडियन से है तो लोग को ले तो बहुत ही सही लगेगा। अभी चिकन खा रहे हैं, चिकन भी सॉफ्ट है। तो अभी मैं एक बार पापा से ये ट्राई कर रहा हूँ, बटर नान, ये देखते हैं कैसा है। बटर नान भी मुझे सही लगा, मुझे कुलचा अच्छा लगा, बटर नान भी अच्छा है लेकिन कुलचा थोड़ा बेटर लगा, और ये कॉइन पराठा तो लाजवाब। तो चलिए खा लेते हैं, खाने के बाद यहाँ से निकाल के आप लोगों के साथ बात करते हैं, देखते रहिए। तो एज यूजुअल बेंगलोर में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो देखते हैं थोड़ा बारिश सूखने के बाद ही हम लोग निकलेंगे, हम लोग जाएंगे KSR बेंगलुरु स्टेशन। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में, टिकट भी कट लिया, और हम लोग का ट्रेन नंबर है 01774, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं दिया, 320 में ट्रेन है। अभी तो फ़िलहाल बहुत टाइम है हमारे पास, अभी सिर्फ 234 ही हुआ है, अभी भी 50 मिनट बाकी है, ठीक है। तो चलो अभी वेट करते हैं, क्योंकि ट्रेन हम लोग का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और अगर ये ट्रेन में चढ़ेंगे तो एकदम हुडी हॉल्ट स्टेशन में पहुंच जाएंगे, और वहां से हमारा फ्लाइट एकदम नज़दीक ही है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हुडी रेलवे स्टेशन में, सो अभी हम लोग का फ्लाइट नज़दीकी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर GoPro 11 रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बाकी तो फोटो वीडियोस आते रहेंगे, अभी जो भी शूट होगा सब GoPro में ही होगा, और GoPro में मैं आप लोग को सब कुछ सेटिंग्स वगैरह जो भी है, मतलब जो भी जो सेटिंग्स फ़ोटो के लिए चाहिए, जो सेटिंग्स वीडियो के लिए चाहिए, जो सेटिंग्स हाइपर स्मूथ के लिए चाहिए, जो सेटिंग्स स्टार ट्रेल्स के लिए चाहिए, तो सब कुछ मैं एक एक करके आप लोग को सिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहिए, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।